अब देखिए BUSD टोकन क्या होता है। BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है जो कि $1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब $1 कहाँ का? USA का। तो इसलिए B का मतलब होता है बाइनेंस, जो एक क्रिप्टो कॉइन है। US मतलब USA का, D मतलब डॉलर, ओके। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, देखिए इसका फिक्स प्राइस होता है $1 अप्रॉक्स 80 INR का होता है, 80 रुपीज मतलब। तो फिक्स प्राइस है, स्टेबल है, इसकी करेंसी की प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होती जैसे कि बाकी क्रिप्टो कॉइन्स की होती है। तो बाइनेंस इसलिए $US के ऊपर रन करता है। और BUSD को हर एक्सचेंजर एक्सचेंज कर सकता है, वो भी, और इसमें बहुत ही मिनिमल एक्सचेंज के नेटवर्क फीस लगती है। जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आप अपने INR को वहाँ की करेंसी में एक्सचेंजर से एक्सचेंज कराते हो, तो एक्सचेंजर जब भी एक्सचेंज करता है तो वो कुछ नेटवर्क फीस डिडक्ट करता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी, पर डॉलर का जब हम एक्सचेंज रेट कराते हैं तो बहुत ही मिनिमल प्राइस में हो जाता है, इसलिए इसका हमें ये फ़ायदा है।